नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाजपा मंडल उकवा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की मनाई जयंती। भारतीय जनता पार्टी मंडल उकवा में परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मंडल अध्यक्ष अमित बिसेन के निवास पर मनाई गयी। भारतीय राजनीति में 6 दशक तक पुरजोर दखल रखने वाले वाजपेयी जी ने अपने दूरदर्शिता और करिश्माई व्यक्ति की वजह से देश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अमित छाप छोड़ी है। अटल जी के लिए राष्ट्रगीत हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रहा है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। एक संसद के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार राज्यसभा और 10 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। भारत रत्न से सम्मानित अटल जी देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने। अटल जी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने अधिकांश समय विपक्ष में बिताए। इसके बावजूद उन्होंने निरंतर जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए और अपने सिद्धांतों से कभी विचलित नहीं हुए। अपनी दूरदर्शिता और शब्दों के साथ भाषा पर बेजोड़ पकड़ की वजह से वाजपेयी जी ने राजनीतिक और साहित्य और समाज के हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। चाहे कैसे भी कठिनाइयां सामने रही हो, अटल जी ने अपने मजबूत इरादों के साथ उनका डटकर मुकाबला किया है। भारतीय जनता पार्टी मंडल उकवा में परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर अध्यक्ष अमित बिसेन, महामंत्री बलवंत टेकाम, युवा मोर्चा अध्यक्ष शैलेंद्र गायकवाल, संतलाल नागेश्वर नलको गिरी, युवा मोर्चा महामंत्री संतोष सोनी, श्रीमती उषा गिरे, श्रीमती रामबती बाई उइके, रोहित कटरे, किसान मोर्चा महामंत्री ओम प्रकाश चौकसी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष तरुण रावल एवं भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस उकवा से संजना मोनू बर्वे की रिपोर्ट। जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, जैसे कि आज हम सबको मालूम है कि आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन हमारे पार्टी के आदर सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और सारे कार्यकर्ता उनकी भारतीय जनता पार्टी में दिए गए योगदान और पूरे देश में उनकी जो छवि थी, उदारवादी नेता और एक प्रखर वक्ता थे वो, और उनका एक अलग ही व्यक्तित्व था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से एक ही नारा लगाते थे कि अब की बारी अटल बिहारी, और इस सपने को भी हमने साकार की कार्यकर्ताओं ने अपने संघर्ष से। और वाजपेयी जी को 5 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके प्रधानमंत्री से कार्यकाल में जो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना जो दी, जिससे आज ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से पूरे गाँव भारत की मुख्य धारा से जुड़े और उन गांवों का विकास हुआ, उसके लिए उन्हें सदा याद किया जाएगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से जो उपलब्धि उनकी है उसको कभी ये देश नहीं भुला पाएगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँ।